हे एवरीवन, कोनिचिवा मीनासान। तो हम अपनी हिरागाना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उन फोर टाइप्स को, उनमें जो जो वर्ड्स इंक्लूड हुए थे, उन सारे वर्ड्स को, उन सारे सेंटेंसेस टुडे वी विल लर्न इन हिरागाना। हम अपनी हिरागाना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी हिरागाना स्क्रिप्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो वो क्लासेस मिस कर चुके हैं, गो एंड वॉच इट बाय क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबव। तो आज हम उन फोर टाइप्स को, उनमें जो जो वर्ड्स इंक्लूड हुए थे, टुडे वी विल लर्न इन हिरागाना। एंड इफ यू विल हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल योर क्वेरी थ्रू द मेल गिवन हियर। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, watch this video till end and give a thumbs up if you will like this video, subscribe my channel and also press the bell icon to get notified. Let's go through it. So our next type was non-burnable refuse. जो हमने अपनी next second type सीखी थी वो क्या सीखी थी? Non-burnable refuse or can say non-combustible refuse. Non-combustible refuse. Non-burnable garbage is moenai gomi in Japanese. Moenai gomi. Mo e na e go mi mo e na e moenai gomi go mi gomi moenai gomi means non burnable refuse. And non combustible refuse is funen gomi. Funen gomi. Funen gomi. Fu ne n go mi funen gomi. Funen gomi. Fu ne n go mi funen gomi. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम ही चीज डिफाइन कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट जो प्रोनंसिएशन है इनकी, एग्जैक्ट जो वोकैब आती है यू कैन से, तो वो हो जाएगी इसकी नॉन बर्नेबल रिफ्यूज की मोएनाई गोमी। मोएनाई गोमी। नॉन कम्बस्टेबल रिफ्यूज फुनेंग गोमी। फुनेंग गोमी। दोनों का मीनिंग सेम है, नॉन बर्नेबल रिफ्यूज। नॉन बर्नेबल रिफ्यूज। कम्बस्टेबल रिफ्यूज अभी हमने सीखा था कि उसमें जो भी सारे पेपर से रिलेटेड किचन वेस्ट कार्टन्स वगैरह ये सारी चीजें आती है, तो उससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन कम्बस्टेबल रिफ्यूज इन जापानीज फुनेंग गोमी। नॉन बर्नेबल रिफ्यूज मोएनाई गोमी दैट कैन नॉट बी बर्न। बर्न को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? बर्न इज मोएमास। मो ए मा स मोएमास। मोएमास। मोएमास दैट इज टू बर्न। बर्न को जापानीज में हम मोएमास बोलेंगे। तो इसी की एक ये फॉर्म होती है मोएनाई नेगेटिव फॉर्म एंड मोएरू, जो भी हमने फर्स्ट टाइप सीखी थी मोएरू गोमी। मोएरू रू फॉर्म जिसे कहते हैं, वो अभी हम काफी आगे चल के अपनी जापानीज सेंटेंसेस जब सीखेंगे तब हम वो सारी फॉर्म सीखेंगे, नाई फॉर्म, रू फॉर्म। तो मोएमास इज बर्न एंड इट्स नेगेटिव फॉर्म इज मोएनाई एंड इट्स अनदर फॉर्म इज मोएरू दैट इज रू फॉर्म। Moeru is burnable and moenai is non-burnable. तो non-burnable refuse में क्या क्या included था? Glass, china, metal kitchen utensils. China मैंने आपको बताया था, जो भी ceramic china bowls होते हैं, china plates होती है, china spoons होती हैं, वो सारे utensils china को इन्होंने बोला है Japanese में, china is that. तो Japanese में glass को हम क्या बोलेंगे? Garasu. 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 And it will be written in katakana. Means glass को हम Japanese में katakana script में लिखेंगे. Means इसका exact, इसकी कोई Japanese kanji और Japanese script नहीं है, तो इसको हम katakana में लिखेंगे. Means मैंने आपको बताया था, जो भी foreign words होते हैं वो हम katakana में लिखते हैं. तो हमने katakana तो सीखी नहीं है अभी तक, katakana script हमने start नहीं करी है, तो इसको हम normal romaji में लिख के सीखेंगे अभी फिलहाल. स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियोस मैंने बनाई थी, जापानीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जापानीज लैंग्वेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी ऑल अबाउट जापानीज लैंग्वेज करके. तो उसमें मैंने बताया था कि जापानीज में टोटल फोर स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, कातकाना, कांजी एंड रोमाजी. रोमाजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स. तो those who have missed that videos, those who wants to watch those videos, go and watch it by click on the I button given above. Must watch that video. Please उस video को जरूर देखो. उसमें वो सारी information आपको मैंने related बताई हुई है Japanese language से. Japanese आपको क्यों सीखनी चाहिए, उसके exam related,
कंटेंट्स एंड जापानी स्क्रिप्ट, आप जापानी किस तरह से कैसे सीख सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें आप एग्जाम्स कैसे दे सकते हो, आगे अपना जापानीज लैंग्वेज में करियर कैसे बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में इंक्लूड करी है। गो एंड वॉच इट बाई क्लिक ऑन दी आई बटन गिवन अब। एंड नेक्स्ट वर्ड इज चाइना। चाइना इज मैंने अभी आपको जो बताया, तो इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, से हिन। से हिन कैसे लिखेंगे हम इसको, से ई ही इन, से हिन, से हिन, से हिन, दैट विल बी चाइना, बोथ चाइना यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज मेटल किचन यूटेंसिल्स। मेटल किचन यूटेंसिल्स इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, थोड़ा लॉन्ग है तो इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, इसको हम जापानीज में बोलते हैं, मेटल किचन यूटेंसिल्स को हम जापानीज में बोलते हैं किन जोकु से दाई तोकोरो यो हिन। किन जोकु से दाई तोकोरो यो हिन, किन जोकु से दाई तोकोरो यो हिन, दैट मींस किन जोकु इज मेटल इन जापानीज। से इज जब हम किन जोकु में से ऐड कर देंगे इट विल बिकम मेटालिक, मेटालिक, किन जोकु से इज मेटालिक। दाई तोकोरो, दाई तोकोरो इज किचन, जापानीज में किचन को दाई दोकोरो बोलते हैं। योहिन इज यूटेंसिल्स, पर्टिकुलरली किचन यूटेंसिल्स की यहाँ पे बात करी गई है तो इसलिए दाई दोकोरो योहिन मींस किचन यूटेंसिल्स। किनजोकु इज मेटल, किनजोकु से इज मेटालिक, दाई दोकोरो इज किचन, योहिन इज यूटेंसिल्स, दाई दोकोरो योहिन इज किचन यूटेंसिल्स। सो किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन, किनजोकु, किन जोकु मेटल, किन जोकु से इज मेटालिक, दाई तोकोरो इज किचन, योहिन इज यूटेंसिल्स, दाई तोकोरो योहिन इज किचन यूटेंसिल्स। सो टुगेदर इट मेक्स किन जोकु से दाई तोकोरो योहिन, कि जोकु, किन जोकु, से, से ई, से, दा ई दो को रो, दाई दो करो, यो हिन, यो हिन, यहाँ पे भी साउंड इलोंगेटेड हो रही है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। दा यहाँ पे ये जो मैंने ये लगाए हैं ये होते हैं तेन तेन, तेन तेन, तो इनको लगा के भी जो वर्ड की प्रोनंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये भी हम अपनी फर्दर वीडियोस में सीखेंगे, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो इन वाले अल्फाबेट्स को। सिमिलर विद जो जब ये हमने सीखा था ये सो होता है, जब हम इसमें तेन तेन लगा देंगे मीन्स इस तरह से दो डैशेस लगा देंगे इनको बोलते हैं तेन तेन, और इनको सो में लगाने के बाद ये बन जाएगा जो। ता में ये दो तेन तेन लगाने के बाद ये बन जाएगा दा, तो में ये तेन तेन लगाने के बाद ये बन जाएगा दो, ता साउंड में जब हम तेन तेन लगा देंगे ता ची सु ते तो वो बन जाएगी द साउंड, सा वाली साउंड में जब हम तेन तेन लगा देंगे तो वो बन जाएगी ज साउंड। हम अपनी फर्दर वीडियोस में सीखेंगे तो अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मेटल किचन यूटेंसिल्स इज किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन, तो जापानीज में हम इसको ये बोलते हैं। एक और बार प्रोनाउंस करके देख लेते हैं। नॉन बर्नेबल रिफ्यूज इज मोएनाई गोमी, ग्लास गारासु, रोमा जी में हम बाद में सीखेंगे। चाइना इज से हिन, से हिन। मेटल किचन यूटेंसिल्स किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन, किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन। अभी हम इसको एक बार रोमाजी में और लिख के देख लेते हैं, तो इसको हम रोमाजी में इस तरह से लिखेंगे कि किनजोकु से ई, किनजोकु से दा ई दो को रो, दाई दोकोरो यो ओ हिन, योहिन, यो हिन, योहिन, ये साउंड इलोंगेटेड हो रही है, तो किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन, किनजोकु से दाई दोकोरो योहिन। आपको अंडरस्टूड कराने के लिए मैंने यहाँ पे गैप रखा है, अदरवाइज जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा। इसके लिए भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस आगे आने वाली वीडियोस में देती रहूंगी। एंड इट्स कलेक्शन डे इज वेंसडे। मैंने आपको बताया था कलेक्शन डे को हम जापानीज में क्या बोलेंगे, शूशुबी, शूशुबी। एंड वेंसडे इज डे ऑफ अ वीक, योबी। डे ऑफ वीक को हम जापानीज में योबी बोलते हैं, अभी हमने सीखा था। बट
वेंसडे को हम जापानीज में क्या बोलेंगे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें डेज ऑफ वीक हम सारी सीखेंगे।